तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जिस वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को कवर करते हैं और सुपर हीरो जॉनरा से जुड़ी सारी न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, और मार्वल से सबसे पहली न्यूज है द मार्वल्स को लेकर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द मार्वल्स 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है, और इसीलिए अब इसके कई सारे ऑफिशियल पोस्टर्स को भी रिलीज कर दिया गया है। मैं इन सारे पोस्टर्स को आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। इसके साथ ही मार्वल ने ये भी कन्फर्म कर दिया है कि ये मूवी चाइना के अंदर भी रिलीज होगी, लेकिन चाइना के अंदर ये मूवी द मार्वल्स के नाम से नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल 2 के नाम से रिलीज होगी। इसके अलावा द मार्वल्स मूवी के डायरेक्टर ने ये भी कन्फर्म कर दिया है कि इस वाली मूवी के अंदर क्री की वापसी होने वाली है, यानी कि मूवी में हमें क्री दिखने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल के कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के रिलीज डेट्स के बारे में, जिनमें सबसे पहला नाम है अगाथा डार्क होल डायरीज का, जो कि अब रिलीज होगी सितंबर 19, 2024 को, यानी कि अगले साल सितंबर में। इसके आगे बात करें आयरन हार्ट की, तो इस सीरीज को अब और भी ज्यादा डिले कर दिया गया है, क्योंकि अभी अगले साल 2024 में नहीं बल्कि उसके भी अगले साल 2025 में आएगी, और इसकी रिलीज डेट रखी गई है सितंबर 3 की। लेकिन जिस सीरीज की रिलीज डेट नहीं बदली गई है वो है एको, क्योंकि ये सीरीज अगले साल की स्टार्टिंग में 10 तारीख को आ जाएगी, यानी कि 10 जनवरी को। और हाँ, इसके सारे एपिसोड्स को एक ही दिन में रिलीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही काफी टाइम ये भी रूमर्स आ रहे थे कि आयरन हार्ट सीरीज के अंदर हमें मेफिस्टो दिख सकता है, तो अब यही रूमर्स सच होते हुए दिख रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि साशा बैरन कोहन, जो कि एक काफी जाने माने एक्टर हैं, उन्हें आयरन हार्ट सीरीज के अंदर मेन कास्ट में लिया गया है। बेसिकली लिया तो पहले गया था, लेकिन अब उनका नाम सामने आया है। हालांकि उनका कैरेक्टर क्या होने वाला है इस बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन फैंस यही अंदाजा लगा रहे हैं कि ये आयरन हार्ट सीरीज के अंदर मेफिस्टो को प्ले कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है लोकी सीरीज को लेकर। लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, और इसके पहले एपिसोड को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि मार्वल फैंस ये बातें कर रहे हैं कि लोकी सीजन 2 की वजह से एमसीयू की वापसी हो चुकी है, यानी कि अपना एमसीयू कमबैक कर चुका है। इस सीरीज के पहले एपिसोड का रन टाइम 45 मिनट्स का था, लेकिन इसके साथ ही इसके आगे के 3 एपिसोड्स के रन टाइम को भी रिलीज कर दिया गया है, जिनमें से एपिसोड 2 होगा 49 मिनट्स का, एपिसोड 3 53 मिनट्स का, और एपिसोड 4 48 मिनट्स का। इसके साथ ही जिस किसी ने भी इसके पहले एपिसोड को देखा होगा उसने ये नोटिस किया होगा कि इस एपिसोड के अंदर हमें एक्समैन का रेफरेंस दिया गया था, क्योंकि अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये गेट आप सभी को एक्समैन मूवीज में दिखने वाले गेट से बहुत सिमिलर लगेगा। सिमिलर क्या, बिल्कुल एक जैसा ही है। तो अब जब से ये सीन फैंस ने देखा है तब से बहुत से फैंस ये श्योरिटी से कह रहे हैं कि लोकी सीजन 2 के आने वाले एपिसोड्स के अंदर मार्वल के किसी न किसी ब्रांच टाइमलाइन में कोई ना कोई एक्समैन जरूर दिखेगा। अब ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं, ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ ही लोकी सीजन 2 को लेकर एक बड़ा अपडेट ये भी है कि लोकी का सीजन 2 पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जिसके अंदर एक भी रीशूट्स नहीं हुए हैं। तो हाँ, एमसीयू के लिए तो ये एक बड़ी बात है। इन सब के साथ ही जब लोकी सीरीज के प्रोड्यूसर से पूछा गया कि क्या जोनाथन मेजर्स की वजह से इस सीरीज के ऊपर कोई असर पड़ा है, तो इस बात का जवाब देते हुए सीरीज के प्रोड्यूसर केविन आर राइट ने ये जवाब दिया है कि जोनाथन मेजर्स के केस की वजह से उनके सीरीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, और कॉन्ट्रोवर्सी होने के बावजूद भी उन्होंने कोई भी सीन चेंज नहीं किया है, क्योंकि जोनाथन मेजर्स का जितना सीन उन्होंने इनिशियली शूट किया था उन सभी सीन्स को सीरीज के अंदर डाला गया है, और कहीं पर भी स्टोरी को चेंज नहीं किया गया है। तो हाँ, ये कमाल की बात है, क्योंकि अक्सर मार्वल ऐसा करता नहीं है। इसके साथ ही प्रोड्यूसर केविन आर राइट ने यह भी कहा है कि वो एमसीयू के अंदर थॉर और लोकी को एक बार फिर से मिलाना चाहते हैं, और उनके अकॉर्डिंग उनका यही गोल है कि वो एमसीयू में थॉर और लोकी को एक बार फिर से रियूनाइट होते हुए देख सकें। वैसे ऐसा होते हुए तो हम भी देखना चाहते हैं, लेट्स सी होता क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं मून नाइट सीरीज के बारे में। मून नाइट की सीरीज एमसीयू की उन गिनी चुनी सीरीज में से एक है जो कि फैंस को काफी पसंद आई है, और इसीलिए जब इसके सीजन 2 को लेकर इसके डायरेक्टर से पूछा गया तब मून नाइट सीरीज के डायरेक्टर मोहम्मद दियाब ने यह बताया कि उनके पास सीजन 2 के लिए कई सारे प्लान्स हैं, और वो मून नाइट का सीजन 2 लाना भी चाहते हैं। लेकिन मून नाइट का सीजन 2 आएगा या फिर नहीं, ये पूरी तरह से मार्वल के आने वाले प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर मार्वल के हेड केविन फाइगी चाहेंगे तो मून नाइट का सीजन 2 जरूर आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल की आने वाली फिल्म फैंटास्टिक फोर के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर जिनका नाम मैट शेकमैन है, उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू के अंदर जब उनसे ये पूछा गया कि उनके द्वारा डायरेक्ट किए जाने वाली ये मूवी कैसी होगी, तो इस बात पर उन्होंने ये जवाब दिया है कि ये मूवी एमसीयू की बाकी सारी मूवीज से बहुत डिफरेंट होगी, और अब तक जैसी स्टोरी लाइन्स फैंस एमसीयू मूवीज में देखते आ रहे हैं इसकी स्टोरी उससे काफी डिफरेंट होगी। ये कुछ ऐसा होगा जो मार्वल फैंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा।
तो चलिए अब बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। तो अब इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि डेडपूल 3 की रिलीज डेट को नहीं बदला जाएगा, क्योंकि जब से स्ट्राइक चल रही थी तब से कई बार ऐसी बातें सामने आई थी कि स्ट्राइक होने की वजह से मूवी की शूटिंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगी, जिस वजह से मूवी को डिले करना पड़ सकता है। लेकिन अभी मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो इस मूवी को डिले नहीं करना चाहते और इस मूवी की जो रिलीज डेट रखी गई है ये उसी डेट पर रिलीज होगी। इसके साथ ही मूवी को लेकर ये न्यूज भी सामने आ रही है कि इस मूवी में यानी कि डेडपूल 3 के अंदर टेलर स्विफ्ट भी अपीयर हो सकती है। हालांकि मूवी में उनका रोल क्या होगा ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो अगली खबर है हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर। असल में अभी कुछ टाइम पहले ये बात सामने आई है कि मार्वल स्टूडियोज ने एमसीयू में हल्क को प्ले करने के लिए जैकविन फीनिक्स को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। लेकिन फिर इसके बाद आगे चलकर मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल भी ऑफर किया था, बट उन्होंने इस रोल को करने से भी मना कर दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो मार्वल स्टूडियोज ने ये कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर है उसे अगले साल नवंबर में रिलीज किया जाएगा। और अब उसी सीरीज को लेकर ये रूमर्स भी सामने आ रहे हैं कि उस सीरीज के अंदर स्पाइडरमैन को हडसन थेम्स अपनी आवाज देंगे। अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि ये कौन है तो मैं आप सभी को बता दूं कि मार्वल व्हाट इफ सीरीज के अंदर इन्होंने स्पाइडरमैन को आवाज दी थी और स्पाइडरमैन के ऊपर इनकी आवाज काफी सूट करती है, इसीलिए इस बात के रूमर्स सामने आ रहे हैं कि ये आगे भी एनिमेटेड सीरीज के अंदर स्पाइडरमैन को आवाज देते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। तो इसी मूवी से लिजार्ड के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं, मैं एक एक करके आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। ये वो सारे कॉन्सेप्ट आर्ट है जिन्हें मूवीज के अंदर कभी यूज नहीं किया गया। इसके आगे बात करें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की, तो कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट इस मूवी से भी सामने आए हैं जिन्हें आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आर्ट बेसिकली उन सारे विलन्स के हैं जिन्हें इस मूवी के अंदर लाने का प्लान तो था बट उन्हें कभी लाया नहीं गया। और इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट आर्ट ये भी है जिसके अंदर आप सभी माइल्स मोरालेस और स्पाइडर ग्वेन के डायनासोर वर्जन को देख सकते हैं, जिन दोनों का नाम है डायनो माइल्स और डायनो ग्वेन। तो थे ना ये सारे अपडेट्स कमाल के, बट ये सारी न्यूज तो मार्वल की थी। अब मार्वल के बाद चलिए ये बात करते हैं डीसी के बारे में। तो डीसी की तरफ से सबसे पहली न्यूज आ रही है जेम्स गन को लेकर। तो नए डीसीयू के हेड जेम्स गन सुपरमैन लेगेसी मूवी के डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने इस पूरी मूवी की स्टोरी को भी लिखा है। तो इन्होंने सुपरमैन लेगेसी मूवी को लेकर ये कहा है कि जैसे ही एक्टर्स की स्ट्राइक खत्म होगी वैसे ही वो इस मूवी के कास्ट को अनाउंस कर देंगे। तो एक्टर्स की स्ट्राइक शायद एक महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, इसीलिए होपफुली उसके बाद हम सभी को इस मूवी की सारी कास्ट के बारे में पता चल जाएगा। इसके साथ ही जेम्स गन ने इस फोटो को भी शेयर किया है और फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने ये बताया है कि ये उन सभी का ऑफिस है। और फोटो में हम सभी ये साफ देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन लेगेसी के ऑफिस के अंदर जेम्स गन और उनकी टीम ने सुपरमैन की बहुत सी कॉमिक्स को डेकोरेट कर रखा है। इसके साथ ही जेम्स गन ने एक और बड़ा अपडेट दे दिया है, जिस अपडेट में उन्होंने बताया है कि वो पीसमेकर के सीजन 2 की स्टोरी को लिखना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही जल्द पूरी स्टोरी को खत्म भी कर देंगे। और जैसे इसकी राइटिंग खत्म होती है वैसे ही उसके बाद ही इसके सीजन 2 के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं डीसी के जोकर 2 के बारे में। तो आप सभी को पता ही होगा कि जोकर 2 आने वाली है, तो उसी को लेकर इस मूवी के डायरेक्टर ने एक फोटो को शेयर किया है जिसके अंदर आप सभी जोकर का लुक देख सकते हैं। वैसे आप सभी को ये फोटो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए इसके आगे बात करते हैं द फ्लैश के बारे में। तो द फ्लैश मूवी से कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट को रिलीज किया गया है। तो चलिए अब बात हो जाए कुछ रूमर्स के बारे में। तो पहला रूमर है मैट रीव्स के बैटमैन 2 को लेकर। तो बैटमैन का पार्ट 2 2025 में आ रहा है और इसी को लेकर ये रूमर सामने आ रहे हैं कि इस मूवी के अंदर हश नाम का कैरेक्टर मेन विलन होगा। ये हश जिसका नाम टॉमी अलर्ट होता है वो डीसी कॉमिक्स के अंदर ब्रूस वेन का दोस्त होता है जो कि आगे चलकर उसका दुश्मन बन जाता है। सो हाँ, अगर ये कैरेक्टर मूवी में दिखता है तो उससे मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगला र्यूमर है एक्वामैन को प्ले करने वाले एक्टर जेसन मेमोआ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी करंटली डीसी को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया है, जिस वजह से हो सकता है कि जेसन मेमोआ के एक्वामैन को भी बदल दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि जेसन मेमोआ एक काफी अच्छे एक्टर है इसीलिए उनको लेकर ये र्यूमर सामने आ रहे हैं कि वो जेम्स गन के नए डीसीयू के अंदर लोबो के कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं जो कि या तो सुपरमैन लेगेसी में सामने आएगा या फिर अपनी खुद की मूवी के अंदर। सो लेट्स सी ऐसा होता है या फिर नहीं। तो डीसी की तरफ से अगली बड़ी न्यूज है द फ्लैश को लेकर। इस मूवी के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं जो कि देखने में तो बहुत औसम है, मैं उन्हें एक एक करके आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप भी जल्दी से देख लीजिए। अगली न्यूज बेसिकली एक र्यूमर है और वो र्यूमर ये है कि अभी मॉर्टल कॉम्बैट वालों ने वार्नर ब्रोस को अप्रोच किया था और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वार्नर ब्रोस के सामने ये प्रपोजल रखा था कि उन दोनों को मिलकर मॉर्टल कॉम्बैट वर्सेस डीसी यूनिवर्स के ऊपर मूवी बनानी चाहिए, जिससे एक मूवी के अंदर मॉर्टल कॉम्बैट के कैरेक्टर्स डीसी यूनिवर्स के कैरेक्टर से फाइट करते हैं। लेकिन वार्नर ब्रोस को ये आइडिया थोड़ा अजीब लगा इसीलिए उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। वैसे आप मुझे बताइए कि ऐसी कोई मूवी बननी चाहिए या फिर नहीं,
कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए। तो चलिए अब बात करते हैं बैटमैन की अपकमिंग एनिमेटेड मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है मैरी लिटिल बैटमैन और ये रिलीज होगी इसी साल दिसंबर 8 को। तो इसी मूवी का एक ऑफिशियल नया पोस्टर सामने आया है जिन्हें आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगली न्यूज है डेयरडेविल सीरीज को लेकर। असल में मार्वल स्टूडियोज ने इस सीरीज के सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स को फायर कर दिया है और ऐसा बेसिकली इसीलिए क्योंकि मार्वल इस सीरीज को पूरी तरह से रिबूट करना चाहता है और इस सीरीज को और भी बेहतर तरीके से बनाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सीरीज लोकी सीरीज जैसी बढ़िया निकलती है या फिर शी हल्क जैसी बिल्कुल कचरा। तो एक न्यूज डेडपूल 3 से भी आ रही है और वो ये कि इस मूवी के अंदर टोड का कैरेक्टर दिख सकता है। टोड बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक्समैन का काफी बड़ा विलन होता है और जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है वैसे ही इसके पास पावर्स भी एक टोड जैसी होती है। हालांकि ये मूवी में है या फिर नहीं ये बात स्टूडियो की तरफ से कंफर्म नहीं की गई है। इसके आगे की न्यूज भी मार्वल के टीवी शो से जुड़ी है। तो मार्वल स्टूडियोज का इनिशियली ये प्लान था कि वो कई सारे बड़े कैरेक्टर्स को सीरीज के अंदर दिखाएंगे और फिर आगे चलकर उन्हें एमसीयू की मूवीज में ऐड कर देंगे, लेकिन मिस मार्वल और शी हल्क जैसी सीरीज को देखने के बाद से ही अब मार्वल स्टूडियोज को ये समझ आ चुका है कि उनका ये तरीका फैंस के ऊपर काम नहीं करने वाला, क्योंकि मार्वल फैंस कोई भी आलतू फालतू सीरीज नहीं देखेंगे। वो सीरीज तभी देखेंगे जब वो सीरीज सच में अच्छी हो, जैसे कि मून नाइट और लोकी सीरीज। तो अब इसी बात को समझते हुए मार्वल ने भी ये डिसाइड किया है कि वो शी हल्क और मिस मार्वल जैसी लिमिटेड सीरीज से हटकर अब मल्टी सीजन सीरीज के ऊपर ज्यादा वर्क करेगा और जो भी सीरीज फैंस को पसंद आएगी मार्वल उसी के मल्टीपल सीजन लाएगा। इसके साथ ही मार्वल ने यह भी डिसाइड किया है कि वो डेयरडेविल सीरीज के भी 2 सीजन लाएंगे और अगर वो दोनों सीजन हिट होते हैं तो फिर उसके आगे के सीजन को भी प्लान किया जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से कुछ छोटी मोटी न्यूज पर नजर डालते हैं जिनमें सबसे पहले आता है द मार्वल्स। तो इस मूवी को लेकर ये एक्सपेक्ट किया गया है कि ये मूवी अपने रिलीज के पहले हफ्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 to 75 million dollars ही कमा पाएगी। हालांकि ये प्रिडिक्शन सिर्फ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस के लिए है यानी कि यूएस मार्केट के लिए, लेकिन तब भी ये नंबर बहुत छोटा है। इसकी अगली खबर है क्रेवन द हंटर की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मूवी अगले साल आएगी और इसके डिले होने का सबसे बड़ा रीजन है राइटर्स एंड एक्टर स्ट्राइक, लेकिन अब स्ट्राइक्स की वजह से इस मूवी के ऊपर रीशूट्स किए जा रहे हैं और मूवी के कई सारे सीन्स को बदला जा रहा है। इसके आगे है लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 जिसके एक सीन के अंदर हमें इटर्नल्स टीम के मेंबर किंगो का एक पोस्टर दिखता है। मैं ये पोस्टर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। इसके साथ ही अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि इस पोस्टर के ऊपर जयपुर पिक्चर्स लिखा है और इस मूवी का नाम भी हिंदी में ही है जो कि है सरोज के पुत्र। अगली न्यूज फिर से क्रेवन द हंटर से जुड़ी है। तो अभी रिसेंटली ये बातें सामने आई है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर क्रेवन द हंटर का सीन होने वाला था, लेकिन मूवी के फाइनल कट के अंदर इसके सीन को हटा दिया गया। अगली न्यूज है वेयरवुल्फ बाय नाइट को लेकर, जिसे अब कलर प्रिंट के अंदर रिलीज किया जा रहा है और उसके लिए इसके पोस्टर को भी रिलीज किया गया है जिसे आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही द मार्वल्स मूवी के भी कई सारे पोस्टर सामने आए हैं और इन पोस्टर्स के अंदर आप सभी ये देख सकते हैं कि इस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर होने वाले हैं। इसी के साथ साथ मार्वल के अंदर डेयरडेविल को प्ले करने वाले एक्टर यानी कि चार्ली कॉक्स अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में होने वाले कॉमिक कॉन में दिखे थे जहाँ पर वो कुछ इस तरह से घूम रहे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर चार्ली कॉक्स ब्लू नाम के एक कार्टून डॉग का कॉस्प्ले कर रहे हैं जो कि यूएसए के अंदर काफी फेमस है। अगली खबर है वंडरमैन सीरीज को लेकर। तो मार्वल स्टूडियोज की तरफ से अब ये बता दिया गया है कि अब वंडरमैन की सीरीज नहीं आने वाली, यानी कि इस सीरीज को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया है। लगता है मार्वल को पहले पता लग गया कि ये सीरीज फिटने वाली है और शायद इसीलिए उसने पहले ही इसे कैंसिल कर दिया। तो अगली खबर है एक्समैन 97 को लेकर। इस एनिमेटेड सीरीज के कई सारे कैरेक्टर्स के बहुत सारे मर्चेंडाइज सामने आए हैं और उन्हीं मर्चेंडाइज से ये पता लगा है कि इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर गॉब्लिन क्वीन नाम की एक विलन होने वाली है जिसके बारे में मार्वल ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। तो चलिए अब बात करते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बारे में। ये मूवी एवेंजर्स फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी थी और इस मूवी के अंदर कई सारे बड़े बड़े ट्विस्ट थे जिस वजह से मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी की पूरी स्टोरी किसी भी एक्टर को नहीं बताई थी, लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की पूरी कास्ट में से रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस दो ऐसे एक्टर्स थे जिनके पास इस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट थी, यानी कि सिर्फ यही दोनों एक्टर्स जानते थे कि इस पूरी मूवी की स्टोरी क्या है। तो अब मार्वल और डीसी की सारी न्यूज को जानने के बाद चलिए आइए कुछ बाकी की न्यूज के बारे में बात करते हैं, जिनमें पहली खबर है द बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज जैन वी को लेकर। तो ये रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि जैन वी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और इसीलिए इस सीरीज के प्रोड्यूसर ने ये कहा है कि वो इसका सीजन 2 भी लाना चाहते हैं और इसके लिए जैसे उन्हें परमिशन मिलती है, जो परमिशन इन्हें अमेज़न से मिलेगी, तो उस परमिशन के मिलते ही ये लोग सीजन 2 के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। तो अगली न्यूज आ रही है द अम्ब्रेला एकेडमी की तरफ से, जिस अपडेट के अकॉर्डिंग इसका फाइनल सीजन अगले साल आ सकता है और फिर उस फाइनल सीजन के बाद इस पूरी सीरीज को एंड कर दिया जाएगा। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने सीरीज को देखा है या फिर नहीं। अगली न्यूज है जॉन विक को लेकर। तो जॉन विक फ्रेंचाइजी की अब तक टोटल 4 मूवीज आ चुकी हैं और इन चारों ही मूवीज को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसी चीज को लेकर जब इस मूवी के डायरेक्टर से ये पूछा गया कि क्या उनके पास जॉन विक 4 के आगे की भी स्टोरी है, तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि उनके दिमाग में जॉन विक को लेकर बहुत सी कहानी है
और वो जॉन विक 4 के आगे जॉन विक 5, 6, 7, 8 और 9 भी लाना चाहते हैं। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जॉन विक फ्रेंचाइजी की आने वाली मूवीज फैंस सिर्फ जॉन विक के नाम से ना देखें, बल्कि उन सभी को मूवीज के अंदर एक प्रॉपर स्टोरी भी मिले। और इसीलिए जब वो भी प्रॉपर स्टोरी को तैयार कर लेंगे तब जाकर ही वो जॉन विक 5 को डायरेक्ट करेंगे। तो अगली न्यूज है ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी को लेकर। इस फ्रेंचाइजी की अब तक कई बड़ी सीरीज आ चुकी है और उन सबकी सक्सेस को देखते हुए इसकी एक नई सीरीज लाई जा रही है जिसका नाम होगा ड्रैगन बॉल डाइमा और ये एयर होना स्टार्ट होगी अगले साल की गर्मियों के बाद। तो इसके आगे बात करते हैं इनविंसिबल 2 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनविंसिबल का सीजन 2 अगले महीने आने वाला है, तो इसी को लेकर अब इसके एक नए ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी न्यूज के बारे में जो की है इनविंसिबल के सीजन 2 को लेकर। तो इस सीरीज के क्रिएटर रॉबर्ट क्रिकमैन ने यह कहा है कि अभी जो इनविंसिबल का सीजन 2 आएगा उसके हर एक एपिसोड के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे जो सीन्स आगे आने वाली स्टोरीज को डेवलप करेंगे और उन पोस्ट क्रेडिट सीन्स के अंदर आप सभी को कई बड़ी चीजें दिखेंगी। तो अब देखते हैं कि इनविंसिबल का सीजन 2 क्या धमाल मचाता है। तो दोस्तों यही थी इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज। आप सभी को ये सारी न्यूज और हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।